हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय 22 की पहली हेडिंग अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन के बारे में। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, हार्मोन क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझें। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, उनमें डक्ट नहीं पाया जाता है, नलिकाएँ नहीं होती हैं, अतः वे नलिकाविहीन ग्रंथियाँ कहलाती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वे कैसी ग्रंथि होती हैं, नलिका विहीन ग्रंथि होती हैं, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इनके स्राव को हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, अतः वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। इनके स्राव को हार्मोन कहा जाता है, इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन की चिर सम्मत परिभाषा के अनुसार, हार्मोन की चिर सम्मत परिभाषा के अनुसार हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित, हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, हार्मोन जो हैं वे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित किया गया है, बदला गया है, जिसके अनुसार हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले, हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन हैं जो अंतर कोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। हार्मोन जो हैं सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन हैं जो अंतर कोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है। ठीक है, अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कशेरुकियों में कई रसायन हार्मोन की तरह, कशेरुकियों में कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। कशेरुकियों में कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य करके उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। यहाँ मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं चैप्टर 22 की पहली हेडिंग अंतःस्रावी ग्रंथियों और हार्मोन के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, अतः वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन के चिर सम्मत परिभाषा के अनुसार हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, ये चिर सम्मत परिभाषी है, पुराना परिभाषा है, परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित किया गया है, जिसके अनुसार हार्मोन जो हैं सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन हैं जो अंतर कोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, जो अंतर कोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है। अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कशेरुकियों में
कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। यहाँ मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।